स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लाडगंज थाना अंतर्गत थाने में ही पदस्थ एएसआई द्वारा भाजपा कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सारे भाजपा के कार्यकर्ता लाडगंज थाने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की और एएसआई को लाइन अटैच करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई मनोज गोस्वामी, जो कि पूर्व में भी रांची थाने में पदस्थ रहते हुए विवादों में रह चुके हैं, बलदेव बाग से गाड़ी निकलने को लेकर वाद विवाद पर भाजपा के नगर मंत्री कुंडल राव से उलझ बैठे। नगर मंत्री ने गाड़ी को निकालने की बात कही, लेकिन एएसआई द्वारा बैरिकेड लगाकर उन्हें निकालने से मना कर दिया गया। बात धीरे धीरे बढ़ गई और एएसआई द्वारा नगर मंत्री पर पिस्टल अड़ा दी गई, जिसके बाद विवाद दोनों पक्षों में ज्यादा बढ़ गया और सारे भाजपा कार्यकर्ता तुरंत लाडगंज थाने पर पहुंच गए और सभी ने जमकर नारेबाजी की। थाने में सीएसपी रितेश कुमार शिव पहुंचे और फरियादी नगर मंत्री कुंडल राव की शिकायत पर सारी भाजपा कार्यकर्ताओं को जांच का आश्वासन देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर एएसआई को थाने से नहीं हटाया गया तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एएसआई की अभद्रता के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व में भी एएसआई विवादों में रह चुके हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये लॉडगंज थाना अंतर्गत एक फरियादी के द्वारा एक थाने में पदस्थ एक एएसआई और आरक्षक के द्वारा अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। उस संबंध में एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, इसे अभी प्राप्त करके इसकी जांच करवाई जाएगी और इसमें यदि इनके द्वारा ऐसी कोई लापरवाही या कोई अभद्रता की गई है तो निश्चित रूप से इन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।